राष्ट्र का परचम गगन को चूम कर लहरा रहा, वर्तमान अज्ञानता का और भी गहरा रहा। देश की प्रतिभा सराही जा रही है विश्व में, कोटि जनता का हृदय बिन ज्ञान के कुमला रहा। कोटि जनता का हृदय बिन ज्ञान के कुमला रहा। आइए हम ज्ञान का दीपक जलाएं, आइए अक्षर सुधारस का पिलाएं, हम बचाएं लाज अपने पूर्वजों की, विश्व के गुरु की मिली थी इनको संज्ञा। आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा। बस यहीं से हमारे प्रेमिसेस शुरू हो जाते हैं। इधर की तरफ रेजिडेंशियल एरिया है सर, और हमारी फैक्ट्री का फैलाव यहाँ से काफी दूर दूर तक जाता है सर। ये हमारी फैक्ट्री के इंजीनियर्स हैं सर, और आपसे मिलना चाहते हैं। हमारे साथ विजिट के मिस्टर श्रीवास्तव एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मिस्टर सिंह ये असिस्टेंट इंजीनियर हैं सर। अब आप लोग हमारे साथ चलेंगे विजिट के लिए और हमें फैक्ट्री के बारे में बताएंगे। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है सर, और इसके ठीक बाद में फैक्ट्री शुरू हो जाती है। ये मिल बहुत ही पुरानी है, और इसकी एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए टाइम टू टाइम हम इसे अपडेट करते रहते हैं सर। टनों के हिसाब से गन्ना आता है सर, और आसपास के गांव से हजारों किसान बुगियों में गन्ना भरकर यहां लाते हैं। चीनी बनाने का प्रोसेस यहां से शुरू होता है सर, और हजारों वर्कर्स इस शुगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं सर। ये हमारे मिल मजदूर आपका स्वागत करने के लिए आए हैं सर। ये हमारा मॉडर्न प्लांट है, इसकी काफी सारी मशीनें हमने इंपोर्ट की हैं सर। इसका चीनी मिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। सर ये कुछ फाइल्स ओके होके आ गई हैं। ठीक है। अच्छा प्रसाद साहब, जो कल मैंने आपसे कुछ कहा था, आपने उसके बारे में कुछ सोचा?
मैं तो कल बहुत परेशान रहा। इसे क्या सोचा आपने? सर सोचा तो था लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता प्रसाद साहब कि हम इस प्रॉब्लम का सलूशन खुद निकालें और मजदूरों के लिए बेसिक एजुकेशन का अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल हो सकता है सर, व्हाई नॉट। तो क्यों ना हम मिल में ही क्लासेस लगाने का अरेंजमेंट करें? सर आई डाउट, लोगों को बहुत मोटिवेट करना पड़ेगा सर। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर स्टेट की ओर से एडल्ट एजुकेशन की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है पर उन्हें कोई अटेंड नहीं करता। दरअसल 8 घंटे मिल में काम करने के बाद उन्हें अपने घर की भी देखभाल करनी होती है, इसलिए वो लोग क्लासेस में जा नहीं पाते सर। तो हम अपने ड्यूटी आवर्स बढ़ा देते हैं? लेकिन सर वो इसके लिए तैयार नहीं होंगे। तो फिर हम अपने ड्यूटी आवर्स में से 1 घंटा कम करके क्लासेस लगा के अपना इरादा पूरा कर सकते हैं? ये आप क्या कह रहे हैं सर? वर्किंग आवर्स में से 1 घंटा कम करने का मतलब आप समझते हैं? हमारी कंपनी का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा सर, एंड इट्स अ पॉलिसी मैटर सर। पॉलिसी मैटर? देन लीव इट टू मी, आई एम द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी। मिस्टर प्रसाद मैं चाहता हूँ इस काम में आप मेरा पूरा सहयोग दें। जी सर। क्योंकि ये एक अच्छा काम है, इस काम में अगर हमें थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है उसमें कोई नुकसान नहीं। राइट सर। देन यू डू वन थिंग मिस्टर प्रसाद, मैं चाहता हूँ कि मिल की कंपाउंड में ही क्लासेस लगाने का अरेंजमेंट किया जाए, और अगर आपको किसी चीज की भी जरूरत पड़े देन यू कम टू मी। और एक काम और कीजिए, जितने भी पढ़े लिखे एम्प्लॉयज हैं उनको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए। जी राइट सर। मिस्टर प्रसाद मैं चाहता हूँ कि अगली बार जब मैं मिल में आऊँ तो रजिस्टर पर अंगूठों के निशान नहीं सिग्नेचर्स मिले। ऐसा ही होगा सर। तो चलिए मिल की कॉलोनी भी देख लेते हैं। जी सर चलिए। बड़े बाबू राम राम। चीनी कितने डाली है? बड़े बाबू राम राम। राम राम, कहो कैसे आना हुआ? बड़े बाबू सुना है नए मालिक का ऑर्डर है, अनपढ़ मजदूरों को निकाल दिया जाएगा। तुम्हें किसने बताया? जी वो अपना चपरासी हयात है ना, वो बता रहा था। हयात? हयात? ओ हयात, लगता है नहीं। अच्छा बड़े बाबू देर हो रही है, चलता हूँ। देखो घबराओ नहीं, मैं पता करके बताता हूँ, ठीक है? ठीक है। आपने बुलाया था जनाब? वो तो बहुत पहले बुलाया था कमबख्त, अब आया। और तुम्हें किसने बताया कि नए मालिक अनपढ़ मजदूरों को नौकरी से निकाल देंगे? बात नौकरी से निकालने की नहीं है जनाब। अरे कमबख्त, अगर इसी तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं नए मालिक तुम्हें नौकरी से जरूर निकाल देंगे। बात अफवाहें फैलाने की नहीं है जनाब। अबे तू मेरा दिमाग मत चाटा कर यार। अबे आगे एक शब्द बोला तो दांत तोड़ दूंगा मैंने तेरे। जी जी जी, बात दांत तोड़ने की नहीं है जनाब। अबे तू जाता है। बेटा अक्षय। जी दादाजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। दादाजी मैं फैक्ट्री में थोड़ा बिजी हो गया था, मैं तो खुद आपसे मिलना चाहता था। बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने सुना है तुम फैक्ट्री में मजदूरों के लिए पढ़ाई की क्लासेस लगाने का विचार कर रहे हो। जी दादाजी। और तुमने काम के घंटे भी 8 से घटाकर 7 कर दिए हैं। जी। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है काम के सैकड़ों घंटों का नुकसान, मतलब कम उत्पादन, मतलब लाखों का घाटा। घाटा नहीं दादाजी, कहिए थोड़ा कम मुनाफा। पर क्यों? दादाजी बरसों से ये मजदूर हमारी मिल में काम कर रहे हैं और हमने इन्हें क्या दिया? मजदूरी के नाम पर चंद रुपए। और तुम इनको क्या देना चाहते हो? दादाजी मैं इन्हें एक ऐसी पूंजी देना चाहता हूं जो कभी खत्म नहीं होती, उसे जितना खर्च करो वो और बढ़ती है। दादाजी ये लोग अनपढ़ थे, अनपढ़ हैं और हमेशा अनपढ़ रहेंगे। इस देश के करोड़ों लोग अपना नाम तक नहीं लिखना जानते, वो देश का नाम क्या रोशन करेंगे? और जब से मैंने ये अंगूठों के निशान देखे हैं। इन अंगूठों के निशानों से तुम्हें क्या परेशानी है? दादाजी
ये हमारे मिल के मजदूर जो हमारी मिल में काम कर रहे हैं, ये हमारी फैमिली है। और ये अंगूठों के निशान जब से मैंने देखे हैं, मैं रात भर सो नहीं सका। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरे दिल को झिंझोड़ रहे हों। मुझे एक अजीब सा खौफ लगता है इनसे। इनमें मैंने दर्द देखा है दादाजी, आक्रोश देखा है। ऐसा लगता है जैसे ये मुझे कुछ कह रहे हैं दादाजी। इसीलिए मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं इन अंगूठों के निशानों को हस्ताक्षरों में बदल दूंगा। मेरे बेटे, अरे तू कोई मसीहा तो नहीं जो मेरे यहां मेरा पोता बनकर आ गया? बेटा, मैं इस काम में तेरे साथ हूं, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। मजदूर भाइयों, हमें अपना खून बहाते हुए, इस मिल की बुनियाद को सींचते हुए और मालिकों की तिजोरियों को भरते हुए आज बरसों हो गए हैं। आप लोगों में से बहुत से भाई लगभग 20 साल पुराने इस मिल में काम कर रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इस मैनेजमेंट को ये रास नहीं आया और इन्होंने तालाब के ठहरे हुए पानी में बढ़ाई का पत्थर फेंक कर हलचल मचा दी है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अरे अब आप ही बताइए, उम्र के उस मोड़ पर आकर अगर आप लोगों ने दो चार अक्षर पढ़ भी लिए तो क्या फैक्ट्री में बाबूगिरी करोगे? अरे आप सर बन जाओगे। बहुत गहरी साजिश है आप लोगों के खिलाफ, बहुत गहरी साजिश है। और मान लो आप लोगों में से दो चार पाठ पढ़ भी लिए तो फिर ये मैनेजमेंट कहेगा कि भैया हमें तो फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए मजदूर चाहिए, और आप जो पढ़े लिखे हो इसलिए कहीं और नौकरी ढूंढो। अब मुझे ये बताओ कि इस उम्र में नौकरी की तलाश में धक्के कहाँ खाओगे? नहीं मिलेगी नौकरी, नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम तैयार हो गए? तुम कौन तैयार होगा तुम में से इस काम के लिए? कोई नहीं तैयार होगा इस काम के लिए। मान लो अगर आप लोगों ने से कुछ ने नौकरी से हटने का सोच भी लिया और आप अपना मुआवजा मांगोगे तो ये कहेंगे, अरे भाई 8 घंटे की शिफ्ट होती है और तुमने 7 घंटे काम किया है, यानी कि 1 घंटा कम, और फैक्ट्री का प्रोडक्शन कम हो गया, हमारा मुनाफा कम हो गया, तो क्यों ना तुम लोगों का पैसा काट दिया जाए। और आप लोगों का पैसा काट लिया जाएगा इस 1 घंटे की वजह से जो आप यहां देते हैं। ये बहुत ही खतरनाक साजिश है आप लोगों के खिलाफ अक्षय बाबू की तरफ से। अरे विलायत में जाकर 4 जमात क्या पास कराए हैं? महात्मा गांधी बनने लगे? चले हैं हमारी जिंदगी का मसीहा बनने। अरे मसीहा ही बनना है तो कहीं और जाके बनो, हम खुद अपने मसीहा हैं। हमारे ये फौलादी हाथ हमारे मसीहा है, हमारे माथे से बहता हुआ पसीना हमारा मसीहा है। हमें किसी मसीहा की जरूरत नहीं, किसी मसीहा की जरूरत नहीं। याद रखिए पढ़ाई का चारा लगाकर कांटा फेंका गया है आप लोगों को फंसाने के लिए। जानते हैं आप लोग? नहीं जानते आप लोग बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं। अरे आप लोग तो ये भी नहीं जानते कि अक्षय बाबू विलायत से कंप्यूटर की डिग्री पास करके आए हैं, और अब जिन मशीनों को तुम्हारे ये फौलादी हाथ चलाते थे अब कंप्यूटर चलाएंगे। और सोचो कि जब कंप्यूटर मशीनों को चलाएंगे तो तुम बेकार हो जाओगे, तुम्हारी छटनी कर दी जाएगी एक एक करके, और जो आनाकानी करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
और जब नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो तुम अपना मुआवजा मांगोगे। फिर ये कहेंगे कि भाई आपने काम कम किया है, पैसा आपका कटेगा। और वैसे भी स्टैंडिंग ऑर्डर के आधार पर 8 घंटे की शिफ्ट में 7 घंटे काम करना एक अनुशासनहीनता है, जिससे आपके विरुद्ध कार्रवाई हो भी सकती है। तो भाइयों जागो, इकट्ठे हो और हम कल से ही मैनेजमेंट के विरुद्ध षड्यंत्र के खिलाफ कल से ही कार्रवाई आरंभ करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। चीनी कितनी डाली है? अबे कितने बार कहा है तुझे कि जरा धीरे से रखा कर। बात धीरे से नहीं सुना? तू कभी नहीं सुधरेगा हयात। बात सुधरने की नहीं है सुना? ठीक है, चलिए मैं कल आपसे बात करता हूं। ओके, मे आई कम इन सर? आइए आइए प्लीज। थैंक यू सर। सर ये हमारे अध्यापकों की सूची है। अध्यापकों की सूची? हाँ, जो हमारे मजदूर वर्ग को पढ़ना लिखना सिखाएंगे। ओह, कितने हो गए? जी हमारे 100 पढ़े लिखे लोगों में से हमने ये लोग छांटे हैं, जिनमें कुछ तो हमारे सुपरवाइजर ही हैं और कुछ नए भर्ती हुए लड़कों में से हैं। आज शाम की शिफ्ट खत्म होने से पहले ही कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। गुड, दैट्स वेरी गुड। थैंक यू सर। चलिए कैरी ऑन प्लीज। थैंक यू। क्या है? अरे क्यों चिल्ला रहा है? नेताजी अपने साथियों के साथ मिलकर बाहर झगड़ा कर रहे हैं। आप जल्दी से जीएम साहब को खबर कर दें। अच्छा, नेता मजदूरों से झगड़ा कर रहा है? जी साहब। अच्छा ठीक है, मैं हयात को भेज के अभी जीएम साहब को खबर करवाता हूँ। अच्छा साहब। हयात, ओ हयात, अरे कम वक्त काम के वक्त न जाने कहां मर जाता। बात मरने की नहीं है जना। अबे जल्दी जा, जीएम साहब को खबर कर दे कि नेता मजदूरों से झगड़ा कर रहा है। बात झगड़े की नहीं है जना। अबे तू जाता है? बात जाने की नहीं है जना। ओ लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। बात आपके जाने की नहीं है जना। अबे तू जाता है? बात मेरे जाने की नहीं है जना। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। आप लोग क्यों हंगामा खड़ा कर रहे हैं? शांत हो जाइए। बड़े दुख की बात है कि हमारे कुछ मजदूर भाई बाहरी लोगों के बहकावे में आकर साक्षरता की क्लासेस का बहिष्कार कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आप लोग उन्हें मना कीजिए, क्लासेस में आइए प्लीज। जाइए आप लोग क्लासेस में जाइए और बाहर वालों की बातों में मत आइए, ठीक है? जाइए अब, जाइए आप लोग। ये है घ, क्या है ये? घ, जिस तरह से क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, मुझे कोई बताएगा घ से क्या बनता है? घ से घड़ी। घ से घड़ी, लीजिए घ से घड़ी। हां जी, इसके अलावा कोई बताएगा घ से और क्या बनेगा? घ से क्या बनेगा? घ से घर। घ से घर, घ से घर बनेगा या घ से घर बनेगा? घर बनेगा। लीजिए जी घ से और बन गया, घ से घर। सुनिए, मैनेजमेंट जो कर रहा है आप लोगों की भलाई के लिए कर रहा है, आप सब लोगों की भलाई के लिए कर रहा है। आप थोड़ा सोच कर देखिए,
आप लोग पढ़ जाएंगे तो इसमें आप सब लोगों का कितना फायदा है। मैनेजमेंट आपका कोई नुकसान नहीं कर रहा है। आप पढ़ेंगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे, उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, आपके बच्चों का कल सुनहरा होगा। इतने बरसों से आप लोग अंगूठों के निशान लगाते आ रहे हैं। ये अंगूठों के निशान आप लोगों के माथे का धब्बा बन गए हैं। क्या आप इन धब्बों को पोंछना नहीं चाहेंगे? क्या इस दाग को मिटाना नहीं चाहेंगे? दूसरी बात, आप लोग अपने दिमाग से इस गलत फहमी को निकाल दें कि आपको नौकरी से किसी को बेदखल किया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हमें आपको नौकरी से निकालना होता तो हम आपके ड्यूटी आवर्स में एक घंटा कम काम करवा के क्यों आप लोगों को पढ़वाते? इसलिए मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, मेरी दरख्वास्त है आप सब लोगों से कि बढ़ चढ़कर मैनेजमेंट द्वारा चलाई जा रही क्लासेस में हिस्सा लें। अपनी खुशी से आइए, अपने साथियों को लेकर आइए, समझदार बनिए, सबको इकट्ठा कीजिए। पढ़ाई करने में ही आप सब लोगों की भलाई है। आप सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसी में ही आपका भला है। आपके बच्चों को अच्छी नौकरी मिलेगी, उनका भविष्य उज्जवल होगा। ठीक है, तो आप लोग क्लासेस में जा रहे हैं ना? बोलिए, सब लोग बोलिए, जाएंगे क्लासेस में? जा रहे हैं ना सब लोग क्लासेस में? जाएंगे? शाबाश। ठीक है, अब सब लोग जाइए और क्लासेस अटेंड कीजिए। सारी मिलों में हवाई बेटा, कैसा लगा? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बहुत अच्छा लगा पापा, मजा आएगा काम करने का। अक्षय बेटा, खाने पीने का ध्यान रखना। कई इलाकों का पानी ठीक नहीं है, मिनरल वाटर का इंतजाम करवा लेना। ठीक है मम्मा। पापा, आपने चीनी मिलों के साथ बहुत अन्याय किया, वर्षों हो गए आपने उनकी तरफ झांका तक नहीं। समय कहाँ मिलता है बेटा, फिर जयराम बहुत अच्छा कैपेबल ऑफिसर है, मुझे दूसरी कंपनियों से फुर्सत नहीं है। बुरा मत मानिए पापा, मैं किसी की कैपेबिलिटी पर शक नहीं कर रहा, मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था कि आज हमारी सारी मिलें प्रॉफिट में चल रही हैं, तो इसका सारा क्रेडिट दादाजी को जाता है। वर्षों हो गए दादाजी को मिलों में गए हुए, और आज भी ऐसा लगता है जैसे हर मिल मजदूर के पास दादाजी खड़े हों। मैं तो बस इतना चाहता था कि जिस तरह दादाजी को लोग याद करते हैं वैसे आपको भी करें। मुझे भी चीनी मिलों की बहुत फिक्र है बेटा, मैं भी मजदूरों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा दादा तो नहीं बन सकता बेटा। मुझ में और पिताजी में कुछ अलग है क्या? पिताजी अब तक शुगर डिवीजन के चेयरमैन थे, तुमने उनसे ही टेक ओवर किया है, तो ये तो फिर तुम्हारे और दादाजी के बीच की बात है। ये तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ने वाला, मेरा पोता है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये वही सब कह रहा है जो मैं कई बार कहते कहते रुक जाया करता था। चलो ठीक है, तुमने आज इस कड़वे सच को स्वीकार तो किया। तुम जितना जितना पैसे के करीब होते गए उतना ही उतना इंसान और इंसानियत से दूर होते चले गए। बेटे, हर काम की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है, इसी तरह व्यवसाय की भी एक मर्यादा है। अब मुझे डर इस बात का है कि कहीं पैसे की हवस में तुम अपनी इस परंपरा से ना दूर हो जाओ। इसीलिए मैं अक्षय को एक ऐसे अक्षय के रूप में देखना चाहता हूं जिसकी कल्पना मैंने कभी तुम्हारे लिए की थी। बाबूजी, और शर्मिंदा मत कीजिए, मैं भी अपनी परंपराओं का पूरा सम्मान करता हूं। अरे राजेश, तू फैक्ट्री नहीं गया पढ़ने? तुझे तो जरूर जाना चाहिए, कुछ पढ़ना लिखना आ जाएगा। ये तो हर वक्त क्या सोचता रहता है,
राजेश, अरे भैया मैं तुझे से कह रही हूँ, गाँव के और लोगों की तरह तू फैक्ट्री में पढ़ने क्यों नहीं जाता? अनपढ़ बना रहेगा सारी जिंदगी? जरा सोच तो, राधा भी तो यही चाहती थी ना, तू पढ़े लिखे बहुत बड़ा आदमी बने। चाहती थी तो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब मैं क्यों पढ़ूं, किसके लिए पढ़ूं? अपनी राधा के लिए पढ़। याद है बेसंत वे अपने मनीषी, विश्व भर को स्वयं के दर्शन दिए थे, ज्ञान और विज्ञान का आलोक पाकर विश्व मानव के मलिन मन खिल उठे थे। स्वर्ग में वो सोचते क्या आज होंगे, ज्ञान को जो धर्म अपना मानते थे। आइए हम राष्ट्र को शिक्षित बनाएं, अज्ञान के संताप को दिल से मिटाए। आज यदि ऐसा नहीं हमने किया तो होगी ये उन देवताओं की अवज्ञा। आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आज दोहराए प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा।